नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मिस्टनगंज के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बाजार के बीचों हर शाम जाम लगना आम बात है। रास्ता इतना सकरा है कि आने और जाने वाली गाड़ियां यहां एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। इस रोड पर हर दिन सुबह से लेकर शाम तक टू व्हीलर, ई रिक्शा और चार पहिया वाहन हजारों की तादाद में गुजरते रहते हैं। ऐसे में जाम लगने की वजह से आए दिन दुकानदारों और राहगीरों के बीच कहासुनी झगड़ों का रूप ले लेती है। मिशनगंज में जाम लगने की सूचना पर आईजी मुरादाबाद रेंज रमित शर्मा बिना सिक्योरिटी लिए एएसपी रामपुर के साथ सादे कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ई रिक्शा में बैठकर रामपुर के घने बाजार का जायजा लेने पहुंच गए। इस दौरान आईजी रमित शर्मा ने पुलिस की कार्यशैली का भी निरीक्षण किया। आईजी मुरादाबाद रेंज ने बाजार में पैदल चलकर जाम लगने के हर एक कारण का पता लगाया। इस दौरान आईजी ने टू व्हीलर से लगने वाले जाम को लेकर दुकानदारों की बातों और सुझावों को भी सुना। आईजी रमेश शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद विचार करेंगे कि घने बाजार के निकट पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। आईजी ने अपनी ई रिक्शा यात्रा के दौरान ई रिक्शा चालक से भी जाम को रोकने के लिए और पुलिस के बर्ताव पर बातचीत की। शहर में जहां सबसे ज़्यादा जाम लगता है, इसके संबंध में जानकारी की गई थी। जानकारी करके फिर एक ये था कि बिना किसी और व्यवस्था के चल के एक बार देखा जाए जाम क्यों लग रहा है, लोगों से बातचीत करके कारण जाने उसका। तो इसलिए मिस्टनगंज रामपुर का बताया गया सबसे ज़्यादा जाम रहता है। यहाँ आके देखा गया कि किस प्रकार से जाम निकाल सकते हैं हम लोग और क्या कारण है, किन वजहों से जाम लग रहा है। लोकल लोगों से बात की और जो लोगों से बातचीत करके समझ में आया है वो या ज़्यादातर जो जनता है यहाँ की वो पसंद कर रहे हैं अभी कि शायद वन वे करके अगर इसको ट्राई किया जाए तो शायद यहाँ का जो कंजेशन है उससे निजात मिल सकती है। तो इसको स्टडी करके देखा जाएगा कि अगर वन वे से लोगों को इस जाम से निजात मिलती है तो उसको पहले पायलट बेसिस पे हम लोग करके देखेंगे। एएसपी रामपुर भी साथ में थे हमारे, सिर्फ मैं और एएसपी रामपुर दोनों ने ही जाके देखा है। इसको प्रयास किया जाएगा कि इसको किसी तरह से हम लोग आपने रिक्शा से भी सफ़र किया है, कैसा रहा सफ़र आपका रिक्शा का? ये रिक्शा से सफ़र ठीक था, वो जानने के प्रयास था रिक्शा वाले से कि जाम लगने के कारण क्या हैं, कोई यहाँ पुलिसकर्मी परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई और दिक्कत परेशानी, जाम लगने के क्या कारण हैं। क्योंकि वो रिक्शे वाला रोज़ वहाँ से निकलता है तो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जो लोकल दुकानदार हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कारण क्या है, किन कारणों से जाम लग रहा है, ये जानकारी करने का प्रयास किया।